जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। UPSC की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका स्टाफ नर्स का वैकेंसी निकला हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने पद पर इसकी वैकेंसी आई हुई है, आपसे इसमें योग्यता क्या मांगी गई है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, आपका एग्जाम पैटर्न और आपकी सैलरी के बारे में सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यह वैकेंसी आपका UPPSC की तरफ से निकाली गई है और वैकेंसी का नाम है स्टाफ नर्स। अब बात करें कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके फॉर्म 21 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 सितंबर रखी गई है। अब बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो अगर आप जर्नल OBC कैंडिडेट हैं तो आपसे लिए जाएंगे ₹125। इसके अलावा अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपसे लिए जाएंगे ₹65। अगर आप PH यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो आपसे लिए जाएंगे ₹25। ये थी आपकी फ़ीस के बारे में। अब बात करें आपकी उम्र सीमा इसमें कितनी होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए तथा इसमें छूट कितनी मिलेगी। तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से 40 साल आपकी एज इसमें मांगी गई है, तो एज इसमें बहुत है। इसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, OBC उम्मीदवार हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, सभी को मिलेगी 3 साल की छूट। अगर SC ST कैंडिडेट है तो उनको मिलेगी 5 साल की छूट। अब बात करें इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्वालिफिकेशन में आपका सिंपल आपका 12th पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है ना, तो 12th पास हो प्लस में आपका नर्सिंग में डिप्लोमा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने BSc नर्सिंग में ग्रेजुएशन किया है या इसके अलावा कोई अदर आपका नर्सिंग से रिलेटेड आपका डिप्लोमा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और यह वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अब बात करें आपका कितने पद पर वैकेंसी आई हुई है, तो टोटल पद हैं आपको 2240 यानी 2240 पद पर वैकेंसी निकली हुई है। इसके अलावा इसमें फीमेल यानी महिला उम्मीदवार के जो पद हैं वो हैं आपके 2069 पद और पुरुष उम्मीदवार के जो पद हैं वो हैं आपके 171 पद। टोटल आपके 2240 पद पर वैकेंसी निकली हुई है। अब बात करें आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम पैटर्न में आपका तीन विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके GK GS के रहेंगे 30 प्रश्न, हिंदी के रहेंगे आपके 30 प्रश्न, और आपका मेन सब्जेक्ट जो नर्सिंग का है, ये वैकेंसी मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे आएंगे, और आपका इसमें इंग्लिश भी नहीं पूछा जा रहा ना मैथ पूछा जा रहा, केवल आपका हिंदी पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो UP है वहाँ हिंदी आपका लैंग्वेज है, हिंदी और उर्दू, इस हिसाब से मेरे ख्याल से इसमें हिंदी मांगा गया है। तो आपका GK GS के 30 प्रश्न और हिंदी के 30 प्रश्न और आपका जो मेन सब्जेक्ट नर्सिंग उसके रहेंगे आपके 120 प्रश्न। सबसे ज़्यादा जो आपके प्रश्न आएंगे वो आपका मेन सब्जेक्ट जो आपका नर्सिंग का है, जो आप 3 साल पढ़े हो या 4 साल पढ़े हो उसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न सबसे ज़्यादा प्रश्न उसी के रहेंगे। तो टोटल प्रश्न रहेंगे आपके 170 प्रश्न, 2 प्रश्न का 1 अंक रहेगा, मतलब आपके 2 प्रश्न रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे तो उसके 1 अंक मिलेंगे, टोटल आपके 170 प्रश्न रहेंगे और 85 अंक का आपका ये पेपर रहेगा। माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, टाइम इसमें मिलेगा आपको 2 घंटे का, ठीक है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, थोड़ा मैं इसका लिखना भूल गया, ठीक है ना, क्या टाइम लिखना भूल गया, तो आपका मैं बता दूंगा शायद इसमें 2 घंटे का मिलेगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा तो मैं इसका टाइम बता दूंगा कितना इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है। अब बात करें आपकी सैलरी के बारे में, तो सैलरी आपको मिलेगी 4600 गेट पे की ये जॉब है, तो आपकी शुरुआत में सैलरी मिलेगी 44,900, ये इन हैंड सैलरी है आपकी, इसमें आपका TA DHRA अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, ठीक है। तो 44,900 आपको शुरुआत में सैलरी मिलेगी, प्लस अलाउंसेस मिला के जो आपकी शुरुआत में सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 70,000 प्लस, 100% आपकी 70,000 प्लस सैलरी बनने वाली है, क्योंकि ये UPPSC की जॉब है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसमें टाइम अभी नहीं दिया है कितना टाइम मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कितना टाइम मिलेगा, तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा क्योंकि मैं इसमें लिखना भूल गया हूँ, ठीक है दोस्तों, सॉरी। और अगर कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।